नमस्कार टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भावना नॉर्ट और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट पर्यटकों पर आफत बर्फबारी के चलते अटल टनल वाहनों के लिए बंद सुबह सुबह हिमपात ने बढ़ाई मुश्किल शनिवार सुबह अटल टनल के दोनों छोर में आधा फीट से अधिक हिमपात हुआ हिमपात होने से अटल टनल वाहनों के लिए बंद हो गई है शनिवार सुबह लाहौल की समस्त घाटी सहित मनाली के पर्यटन स्थल सुरंगनाला अंजनी महादेव फात्रु कोठी व गुलाबा में बर्फ के फाही गिरने का क्रम शुरू हो गया है मनाली शहर में सुबह से बारिश का क्रम जारी है लेकिन आठ बजे के बाद यहाँ भी बर्फ के फाही गिनने का क्रम शुरू हो गया है मौसम को देखते हुए मनाली पुलिस ने वाहनों को सुरंगनाला से आगे जाने पर रोक लगा दी है पर्यटकों को, को सुरंगनाला तक ही जाने की अनुमति है लेकिन मौसम के तेवर ऐसे है कि पर्यटकों को नेहरू कुल तक ही भेजा जाएगा तो मैं बंदरों को भगाने गई नानीवा धोती की करंट लगने से मौत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक दर्दनाक हादसे में नानीवा दोहती की मौत हो गई है जानकारी के अनुसार रक्कड़ पुलिस थाना के अंतर्गत सलेटी में बिजली की तार से करंट लगने से नानीवा धोती की मौत हो गई है खेतों से बंदरों को खदेड़ते हुए ये हादसा हुआ है बताया जा रहा है कि बीती रात को तूफान के कारण बिजली का तार टूट कर खेतों में गिर गया लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी लेकिन सुबह खेतों में गई नानी वधोती की कट लगने से मौत हो गई हिमाचल में अंधर ने मचाई तबाही घरों की छतें उड़ी जगह जगह गिरे पेड़ गेहूं की फसल खेतों में बिछी मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अंधड़ ने तबाही मचाई है राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है अन्य भागों में बारिश के साथ अंधर चलने से काफी नुकसान हुआ है बीती रात अंदर से जगह जगह पेड़ गिर हैं। गए हैं कई घरों की छतें उड़ गई हैं, वहीं कई जिलों में गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज भी प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी आंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल में बेरोजगारी दर के साथ ही सरकारी नौकरियां भी कम लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा हिमाचल में बेरोजगारी दर भले ही पड़ोसी राज्यों से कम है फिर भी युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के दरवाजे कम ही खुले हैं हिमाचल की बेरोजगारी दर चार दशमलव चार है जबकि उत्तराखंड में चार दशमलव हरियाणा और पंजाब में छह दशमलव एक प्रतिशत है पिछले एक साल की बात करें तो प्रदेश में चार सरकारी नौकरियां निकली थीं इनमें दो को ही रोजगार मिल पाया हालांकि निजी क्षेत्र में ग्यारह हजार छह सौ इक्यासी के मुकाबले छह हजार नौ सौ तिरासी को रोजगार मिला हिमाचल में कुल आबादी में से करीब तेईस लाख युवा हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक हिमाचल में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या सात लाख चौवालीस हजार सात सौ इकहत्तर थी कांगड़ा में सबसे अधिक एक लाख सत्तावन हजार चार सौ पांच और लाहौल स्पीति में सबसे कम पांच हजार तेरह पंजीकृत बेरोजगार हैं भाजपा की बगावत पर बेसात बिछा रही कांग्रेस मंडी के गढ़ को बचाए रखना बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश में फूक फूक का टिकट तय करने की पहाड़ को उफान रही कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभी चुनावी डगर पर ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाया है मगर इसके रणनीतिकार भाजपा में बगावत का लाभ उठाने के भी साथ बिछा रहे हैं छह सीटिंग विधायकों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने और टिकट लेकर चुनावी रण में उतरने से चुनावी समीकरण बदल गए हैं कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में मंडी के गढ़ को बचा रखना बड़ी चुनौती है तो अन्य सीटों पर भी इसे खाता खोलना है कांग्रेस भाजपा के तख्ता पलट अभियान को ध्वस्त करने के लिए उपचुनाव में भी पूरा दमखम दिखाना चाह रही है दर्दनाक हादसा, ग्यारह केवी विद्युत लाइन से टच हुई लोहे की पाइप युवक की मौत पुलिस थाना भवाना के अंतर्गत गांव फरेड में शुक्रवार को एक युवक की बिजली के तार से करंट लगने से मौत हो गई है जानकारी के अनुसार अमित चौधरी पुत्र हेमराज चौधरी गांव घडोहर पंचायत गड़ियाड़ा प्लम्बरिंग का काम करता था शुक्रवार को जैसे ही प्लम्बरिंग का कार्य करने के लिए वो गांव फरेड में एक भवन की छत पर चढ़ा कि छत के ऊपर से गुजर रही ग्यारह केवी विद्युत लाइन से उनके हाथ में पकड़ी लोहे की पाइप टच हो गई बिजली का झटका लगने से युवक छत से नीचे गिर गंभीर रूप से घायल हो गया उससे भवन मालिक व स्थानीय लोगों की मदद से पालमपुर अस्पताल ले जाएगा जहाँ घायल को चिकित्सकों ने निमृत घोषित कर दिया हिमाचल में बिना नक्शा पास के भवनों पर अधिक लगेगा बिजली शुल्क सब्सिडी नहीं मिलेगी हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास भवनों को अब महंगी दरों पर बिजली मिलेगी इन हजारों उपभोक्ताओं को घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब छह दशमलव दो पाँच रूपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा इन्हें सब्सिडी भी नहीं मिलेगी प्रति माह साठ यूनिट तक निःशुल्क बिजली का भी लाभ नहीं मिलेगा राज्य बिजली बोर्ड की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग के फैसले ऐसी हजारों उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है स्थानीय नगर निकायों से भवन बनाने के लिए नक्शे पास करवाने वाले उपभोक्ताओं को कम दरों पर ही बिजली बिलों का भुगतान करना होगा एक अप्रैल से नई दरें लागू होंगी घरेलू उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांट दिया है बिना नक्शा पास करवाए भवन मालिकों को अलग से बिल जारी होंगे मार्च 2022 में सरकार ने नगर निकायों की एनओसी के बिना भी बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया था